धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर मानव समाज से मेरी विनती है कि आज इस साइंस के युग में विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने अपने हिसाब से अपने मनमानी तरीके से वीडियो बना रहे हैं। बहुत से वीडियो ऐसे भी हैं, ना सिर है ना पैर है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी मौलाना साहब बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ज़मीन आसमान साकिन है। तो ये सब आप लोगों ने देखा है। इस साइंस के युग में, जिस युग में लोग चांद तक सफ़र कर रहे हैं, चांद का सैर कर रहे हैं, इस युग में भी विज्ञान विरुद्ध बातों को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं लोग, जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आज इसी श्रृंखला में इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न किया है पहलवान धर्मवीर जी ने। पहलवान धर्मवीर जी का कहना है कि इस्लाम जगत के आलिमों से मेरा सवाल है, बराए मेहरबानी मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देकर मुझे कृतार्थ करें, और जवाब ना देने की दशा में सत से आप विमुख हो रहे हैं, सत को कबूल करें। और यहाँ सवाल है अल्लाह पर। इन्होंने अल्लाह पर सवाल उठाया कि अल्लाह ने कुरान में क्या हुक्म दिया है, क्या आदेश दिया है, क्या फरमाया है। एक दो जगह का प्रमाण उन्होंने दिया है, बाकी कुरान में अनेक आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को रूटो लूटो मारो पीटो की बातें हैं। وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ। जब तक अल्लाह का दीन दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। सूरह बकर आयत नंबर 193 को देखेंगे, वहां पर आ जाएंगे। और यत्र तत्र भरा पड़ा है। सूरह अनफाल इसी जिहाद के ऊपर है, और जिहाद में लूटे गए माल को माल गनीमत कहा है अल्लाह ने। एक पते की बात मैं आप लोगों को और बता दूं, ये माल गनीमत हजरत मोहम्मद साहब के लिए जायज़ हुआ है और पैगंबरों के लिए जायज़ नहीं था। यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सूरह अनफाल में ही है और कई सूरह में है, पा जाएंगे। सूरह तौबा में भी पा जाएंगे। बहुत सी आयतें हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं। अब इस्लाम जगत के आलिम कुछ तर्क देते हैं, ये तो उस काल के लिए है, उस समय के लिए है जिस समय मुसलमानों को जलावतन कर रहे थे गैर मुस्लिम, इस्लाम वालों से जिस समय लड़ रहे थे, इस्लाम वालों को तकलीफ पहुंचा रहे थे, ये तो उन दिनों के लिए है। ये डॉक्टर असलम कासमी ने भी ये सवाल मेरे से पूछा, और आज मैं अपने फेसबुक पेज में आप लोगों को भी लिख करके दिया हूँ। लेख बड़ा लंबा है, मैं छोटा करके दिया हूँ। ये मेरी पुस्तक में भी है, असलम कासमी के जवाब में मैंने पुस्तक लिखी, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। तो आज मैं वो असलम कासमी को दिया गया जवाब का कुछ हिस्सा आप लोगों तक पहुंचाया हूँ। ये लोग कहते हैं कि ये तो उन दिनों के लिए है, उस समय के लिए है,
जिस समय गैर मुस्लिम मुसलमानों को मार रहे थे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे इस्लाम जगत के विद्वानों से, ऐसे आलिमों से मेरी गुजारिश है कि आज तो वो बात नहीं है, आए तो कहीं पर किसी देश से मुसलमानों को अत्याचार मुसलमानों पर नहीं हो रहा है, मुसलमानों को नहीं मार रहे गैर मुस्लिम। आप कहेंगे कि फिर म्यांमार में क्या हुआ, रोहिंग्या वालों के साथ क्या हुआ? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन रोहिंग्या वालों ने पहले क्या किया उसको देखा है क्या? नहीं देखा। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि जब आज के दिनों में वो परिस्थिति नहीं है तो इस आयत को आज तक क्यों ढोया जा रहा है? इस आयत को अविलंब हटा देना चाहिए था। उसका क्या तात्पर्य रह गया है? और अल्लाह जो ज्ञानी बताया जा रहा है, अल्लाह को आलिम कुल बताया जा रहा है, समीउल अलीम बताया गया है, वो जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, अलीमुन है, जानने वाला है, तो क्या अल्लाह को ये पता नहीं चला था पहले कि दैनन के युग में जाकर के इन आयतों की कोई महत्व नहीं रहेंगे? और पहलवान धर्मवीर जैसे लोग इस पर सवाल उठाएंगे, या अल्लाह को पहले से मालूम नहीं था? अरे ये मालूम होना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह को बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है जो धर्मवीर जी बोल रहे हैं। आइए ध्यान से विचारों को आप सुनिए और आप लोग देखेंगे, सुने, समझें, परखें ये क्या बोला जा रहा है। और इस्लाम जगत के विद्वानों से ही उन्होंने कतिपय प्रश्न किया है, इन सवालों का जवाब बराए मेहरबानी दे करके हमें भी कृतार्थ करें, ये बोला है उन्होंने। सुनिए, धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों और साथ साथ इस्लाम के आलिमों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि मैंने जो कुरान का अध्ययन किया उस हिसाब से अल्लाह कहता है कि मैं इम्तिहान लेता हूं अपने मनुष्यों का, और मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैंने जहां तक पढ़ा है कुरान को, कुरान का स्वाध्याय किया है, पता चलता है कि अल्लाह खुद शक के घेरे में है। अल्लाह का खुद इम्तिहान होना चाहिए। उसी के लिए मैं उदाहरण से बताता हूँ आपको कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला नहीं है, अल्पज्ञानी है। जैसे मनुष्य अल्पज्ञानी है, परमात्मा सर्वज्ञानी है, अल्लाह भी अल्पज्ञानी है और मनुष्य से भी ज़्यादा अल्पज्ञानी है, ऐसा मेरे अध्ययन से, स्वाध्याय से लगता है मुझे। इस्लाम के आलिमों से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के शांति के साथ में मेरी बात का जवाब दें। गुस्सा, झगड़ा, गाली, ये तो खैर आप लोगों का काम है, देते रहते हैं और उकसाते हैं, दूसरा भी आपको वैसे ही बोले, आप उकसाते भी रहते हैं, लेकिन अल्लाह तो सरेआम काफिरों को, मुश्रिकों को मारने काटने का। इन्होंने पहला सवाल उठाया कि अल्लाह को ज्ञानी बताया जाता है, आलिमुन बताया जाता है, अलीमुल मन जानने वाला, लेकिन अल्लाह बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं। जैसा एक दो उदाहरण मैं देता हूं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए। अल्लाह ताला अगर जानते होते तो शैतान को बनाते ही नहीं। शैतान को बनाने से पहले अल्लाह को इल्म नहीं था कि ये आदम को सीधा नहीं करेगा, फिर अल्लाह जानने वाला कहां से हो जाएगा, समीउल अलीम कहां से हो जाएगा? फिर अल्लाह ने आदम को भी मना किया कि इस फल को मत खाना, इस बगीचे में खूब घूमो फिरो, सब कुछ करो सब जगह, लेकिन इसके अदन के बीच में जो लगे हुए पेड़ है उसके फल मत खाना, और पति पत्नी दोनों खा लिए। अल्लाह को पता भी नहीं लगा, उस समय खाते समय भी पता नहीं लगा। जब वो खा करके उनके वस्त्र उतर गए, जन्नती वस्त्र उतर गए, तब अल्लाह को पता लगा, भागते हुए आए, आदम तुम कहां हो? ये कुरान और बाइबल दोनों में आया है। तो अल्लाह अगर जानने वाला होता, समीउल अलीम होता,
तो अल्लाह इन सब बातों को पहले से ही जानते हैं। यही सवाल पहलवान धर्मवीर जी ने उठाया है सबसे पहले। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या सवाल उठा रहे हैं आज पहलवान धर्मवीर जी से। मान में काटने की बात करता है, उसको ये नहीं पता अल्लाह को, अगर ये जो तू कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम है, जो ईमान वाले नहीं है, उन सबको मारो काटो, तो ये आपको पता है अल्लाह कि जो गैर ईमान वाले हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो कितने हैं? अगर उन्होंने भी ऐसा ही क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू कर दी तो क्या होगा तेरे बंदों का? आपसे पूछते हैं अल्लाह ताला, प्लीज बताए। अब इसी के लिए उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, सूरह अंफाल की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला, अल्लाह का देखिए दिमाग, अल्लाह सर्वज्ञानी नहीं है, यहीं से मैं बता रहा हूं आपको, आलिमों से विनती करता हूं जवाब दे मेरी बात का। अल्लाह ताला सूरह अंफाल की आयत नंबर 65 में फरमाते हैं, रसूल से मोहम्मद साहब को आदेश देते हैं कि ये रसूल कह दे मुस्लिमों से कि तुम 20 हो तो 20 का तो 100 काफिरों पर भारी हो। मैं भी पढ़ के भी बता दूंगा आयत, और तुम 100 हो तो 1000 काफिरों पर भारी हो, यानी कि उकसाओ ईमान वालों को, मुसलमानों को उकसाओ काफिरों के खिलाफ। कौन कहते हैं? अल्लाह। किससे कहते हैं? मोहम्मद साहब से, कि अल्लाह के बस की कुछ करना है नहीं, मोहम्मद साहब को और पापी बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए अल्लाह सबके घेरे में। अब क्या होता है इस घटना में कि मोहम्मद साहब अपने साहिबाओं के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बोला है, आयत उतरी है, वो साथ में लग के शोक में बता रहा हूँ, ज़्यादा समय ना आपका बर्बाद करते हुए, मोहम्मद साहब के साथ जाते हैं और काफिरों से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, काफिरों से लड़ जाते हैं तो काफिर मार पीटते हैं, मारपीट होती है जिसमें मोहम्मद साहब के 4 दांत शहीद हो जाते हैं, कोई कहते हैं 2 दांत, लेकिन दांत ये शहीद कहना बोलते हैं, टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो मोहम्मद साहब के दांत तोड़वाने में अल्लाह का हाथ है, ना तो अल्लाह ताला मोहम्मद साहब पे आयत उतारते कि तुम 20 हो तो 100 काफिरों पे भारी हो। अब एक तरफ तो काफिरों से भिड़ने की बात कह दी, फिर मोहम्मद साहब के दांतों की रक्षा नहीं कर पाए और मोहम्मद साहब झगड़े में दांत टूट दिए, मार मार के काफिरों ने दांत तोड़ दिए। अब दांत तोड़ दिए तो आगे वापस सूट में बता रहा हूं, तो जो उनके साहिबा थे, साथ में रहने वाले थे, साहबा थे, वो बोले ए रसूल, तूने तो कहा था कि हम 20 है तो 100 काफिरों पर भारी है, और 100 है तो 1000 काफिरों पर भारी है, उनको हम हरा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, काफिरों ने तो हमें मार मार के जो लाल कर दिया, और आपके तो दांत भी तोड़ दिया, आप तो अपने दांत भी नहीं बचा पाए, अल्लाह ने आपके दांतों की भी रक्षा नहीं करी, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? तो साथो साथ ये मैं बता रहा हूँ सूरह अंफाल की आयत नंबर 65, जब कहता हूँ अल्लाह को कुछ पता नहीं है, अल्लाह को नहीं पता था कि मोहम्मद साहब को तो उकसा रहा है या मोमिनों को उकसाने के लिए बात कर रहा है कि वहां उल्टा हो जाएगा, अल्लाह को नहीं पता था कि काफिर मारेंगे, दांत तोड़ देंगे। गैल ही साथ ही 65 में ये बोला है अल्लाह ताला, गैल 66 यानी कि सूरह अंफाल की आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए रसूल, मुझे तुम्हारी ताकत का पता चल गया है, तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है, यानी कि पहले कमजोरी का नहीं पता था, वो दोनों आयत पढ़ के बताऊंगा अभी मैं, एक मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है, अब तुम एक ईमान वाला हो, एक मुसलमान हो तो 2 काफिरों पे भारी पड़ोगे, यानी कि अल्लाह को नहीं पता था, फिर भी झगड़े की बात ही कर रहा, फिर भी पिटवाने की बात कर रहा है, तो मैं यही कह रहा हूं कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला नहीं है, अल्लाह ताला क्या इंसानों का इम्तिहान लेगा, अल्लाह तो खुद कटघरे में खड़ा हुआ है इस कुरान के हिसाब से। तो मैं इस्लाम के आलिमों से विनती करता हूँ कि इस्लाम के आलिमों, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, आजकल तो तुम कुरान को ही साइंस से सिद्ध करना शुरू कर दिया है, जो बुराक नंबर नामक घोड़ा तो आपके ही हो, कुछ जो स्कॉलर है वीडियो बना रहे हैं, आप उसको लाइट बताने लगे,
पहले जो है धरती को बिछोड़ा बता रहा था, कोई दहा अंडा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कटघरे में तुम खड़े हो, जान नहीं बचने वाली। सत्य को मानना होगा, मानना होगा, जानो और मानो। खाली खाली खम्मा खाकी अपनी हेगड़ी में या अपने को बड़ा दिखाने के लिए कुछ नहीं रखा। मानव मात्र के से प्यार करना सीखो, कोई भी मानव हो उससे प्यार करना सीखो। मानव मात्र का धर्म एक ही होता, अलग अलग नहीं होता, ये ध्यान कर लेना। इस्लाम के आने में मैं विनती करता हूँ, मैं पहलवान धर्मवीर आपसे विनती कर रहा हूँ, आओ इस विषय पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, प्यार के साथ में जो सही हो उसको मानते हैं। अगर आप सिद्ध कर देते हैं कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल प्यार के साथ। अगर नहीं सिद्ध होता तो आप क्यों जिरह कर रहे हो, आपने क्यों इस तरह का जो है पत्थर की लकीर बना रखी है गलत को सही मानना। तो आइए आपका पुराना वैदिक सत्य सनातन धर्म है उसका भी आप जो है अध्ययन करें, चर्चा करें और जो सही हो उसको माने, सत्य को अपनाए या सत्य को छोड़े। अब मैं दोनों आयत आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 और आयत नंबर 66। खुद ही आप एनालाइज करें और जवाब दें आलिम क्या सही क्या गलत। ऐसे नहीं 6666 आयतें हैं जिसमें कितना विरोधाभास भरा पड़ा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। हे नबी 65 सूरह अनफाल के 65, हे नबी मुसलमानों को जिहाद का शोक दिलाओ, यानी कि जिहाद का शोक दिलाओ। अगर तुम में से 20 साबिर भी होंगे तो भी 200 पर, मैं तो 100 ही बता रहा था, यहां 200 लिखा हुआ है, 200 पर मालिब रहेंगे। और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर मालिब रहेंगे, इस सबब की वे ना समझ लोग हैं। काफिरों को बताया ना समझ लोग, आज इतने देश हैं कितनी तरक्की हो कर रहे काफिर, तो वो ना समझ लोग हैं 65 में बताया। तो उनको जो है शोक दिलाओ अपने मोमिनों को, काफिरों के साथ लड़े और उनको मारे, यानी के 20 है तो 200 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। फिर 66 में जो मैंने बताया था अभी सुन लीजिए, अच्छा अब अल्लाह ताला तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वह अच्छी तरह जानता है कि तुम में कमजोरी है, तो अगर तुम में से 100 साबिर होंगे तो वे 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो वे अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप देख लीजिए अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब अल्लाह ताला सब्र करने के साथ होता तो मोहम्मद साहब के दांत क्यों तुड़वाता, क्यों पिटवाता काफिरों के हाथों। तो ये सबके घेरे में अल्लाह खुद इम्तिहान में फेल हो रहा है, अल्लाह खुद पास नहीं हो रहा तो अपने बंदों का इम्तिहान तो क्या रहेगा। तो मेरे इस्लाम के आलिमों जरा जवाब दें, आप कहते हैं उस टाइम की बात है, ठीक है उसी टाइम की बात है, उसी टाइम के हिसाब से जवाब दे दें, सरकारी तो नहीं है कुरान। आप कहते हैं जो उस टाइम की बात है काफिरों से झगड़ा था, लेकिन वहाँ सूरह बकर में तो बता दिया ना सारी चीज़ काफिर कौन है, हमेशा के लिए बता दिया ना, उनसे हमेशा वही व्यवहार करना जो काफिर है, जो मोहम्मद साहब को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, जो तौरात इंजील को ना माने, जो इब्लीस को ना माने, जो जिब्राइल को ना माने, वो सब जो है काफिर हैं, और काफिर जो है वो जहाँ पाओ कत्ल करो, ये अल्लाह का आदेश है। तो मेरे आलिमो जवाब दें इस बात का कि अल्लाह खुद कटघरे में है या नहीं, सत्य को अपनाए असत्य को छोड़े। सभी को नमस्ते, धन्यवाद जी। आइए मैं कुरान की भाषा में आप लोगों को सुना देता हूँ, इन्होंने पढ़ के नहीं बताया, वो केवल अर्थ अर्थ बताए हैं, और हमारे सिखाए हुए गणेश दास, संदीपन रॉय, भोला रॉय, देव नारायण यादव, अभी बहुत सारे इस तरीके से तैयार हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी उतना प्रैक्टिस नहीं किया है, फिर भी मैं सुना देता हूँ।
یہاں آیت نمبر 65 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین وان یکن منھم مئات یغلبون الف من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. یہ ہے جو مسلمانوں کو جوش دلاؤ, یہ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. پر ہمارے بھارتی سنویدھان کے انوسار ایک آدمی جب دوسرے آدمی کو مارنے کے لیے پریرت کرتا ہے وہ بھی دنڈنیہ ہے, وہ بھی اپرادھی ہے. قرآن کی انہی آیتوں کو پچھلے 84 اور 85 میں, 84 دلی کے میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کے سامنے میں اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کے اور سے اندر سن شرما جی کے مادھیم سے لگایا گیا تھا, اور کلکتہ ہائی کورٹ میں 85 کے مارچ مہینہ میں پدما خستگیر کے اجلاس میں چاندمل چوپرا نامی وکیل نے لگایا تھا. وہاں یہی ترک دیے گئے تھے جب ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کسی کو پریرت کرتے ہیں تو وہ بھی اپرادھی ہے. اور یہاں اللہ نے کیا بولا مسلمانوں کو, اللہ نے کیا کہا مسلمانوں کو, اللہ نے حکم کیا دیا مسلمانوں کو کہ اپنے نبی کو اللہ نے بتایا ہے کہ 200 کافروں پر بھاری پڑو گے, مسلمانوں کو جوش دلاؤ. اور کون بھاری پڑیں گے, 100 بھی رونا یغلبونا, جو صبر کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رکھنے والے ہیں. وہ اگر اس طریقے سے اللہ تعالی قرآن کے مادھیم سے جس قرآنی آیات کو یا جس قرآن کو اسلام والے پتھر کے لکیر ماننے, اور انہی پتھر کے لکیر میں ہی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کنے, اپنے نبی کو, اپنے پیغمبر کو, اور بتایا ہے کہ تو 200 ہو, 100 ہو تو 20 ہو تو 200 کافر اوپر بھاری پڑو گے, یعنی 20 کے بعد ایک زیرو اور لگا دیا, تم 20 ہو تو 200 کافر اوپر بھاری پڑو گے. 66 میں کیا بتایا دیکھیے گا, الآن خفف اللہ عنہم عنکم وعلم ان فیکم ضعیفا فإن یکن منکم مئات صابر یغلبون مئاتین یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کیا بات ہے, صبر کرنے والے. اب خدا نے تم سے اپنے حکم کی سختی میں تخفیف یعنی کمی کر دی ہے, اور دیکھ لیا کہ تم یقیناً کمزور ہو. سنیے اللہ نے کنہیں کمزور بتایا, غیر مسلموں کو کمزور نہیں بتایا, اسلام والوں کو بھی کان کھول کر کے سن لینا چاہیے, اسلام جگت کے عالموں کو بھی کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم لوگ کمزور ہو. کون یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مسلمانوں میں جوش دلا رہے ہیں بندو, وہ سننا, وہ سمجھنا. کمزور ہو, اگر تم لوگوں میں ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب ہوں گے, اور اگر تم لوگوں میں سے 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے, سنیے, خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہو گے. اور جگ کی تکلیفیں جھیل جانے کا خدا ساتھی ہے, خدا تو فوج بھیجتے ہیں, خدا نامعلوم کیسے دیالو رحمان اور رحیم کہا جا رہا ہے خدا کو, جو خدا آدمی کو ڈبو رہے ہیں پانی میں, وہ نوح کے کال میں ڈبویا پانی میں, اور لوط کے کال میں بھی تباہ کیا لوگوں کو, اور موسیٰ کے کال میں بھی فرعون کو پانی میں ڈبویا. قرآن بھرا پڑا ہے,
इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम जगत के विद्वानों को इस पर विचार करना है, सोचना और समझना है कि आखिर जिसको हम पत्थर की लकीर मान रहे हैं उसमें ये हुक्म अगर अल्लाह का है, अब कहेंगे कि उस काल के लिए है तो उस काल के लिए है, अब क्यों ढो रहे भाई इसको, अब तो छोड़ दो कम से कम। और इसी लड़ाई में जो इस्लाम के प्रवर्तक थे उन्होंने अपनी जिंदगी में 27 लड़ाई लड़ी थी, एक दो नहीं 27। तबूक की लड़ाई भी बड़ी घटना है और कुरान भरा पड़ा है, मैं क्या क्या बताऊं। और जहां उहुद की लड़ाई की बात धर्मवीर जी सुना रहे थे कि दांत टूटवाए, अल्लाह को मालूम नहीं चला कि दांत टूटेंगे, लेकिन संपूर्ण दुनिया वालों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग गलतफहमी के शिकार हैं, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं, पता नहीं। लोग ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब को मुशरिकों ने, काफिरों ने मार करके दांत तोड़ा, ना ना नहीं, ऐसा नहीं है। उन काफिरों ने जगह जगह गड्ढा खोद रखा था और एक गड्ढे में हज़रत मोहम्मद साहब गिरे, हुजूर एक गड्ढे में गिरे थे, उस गड्ढे में गिरने के बाद ही नीचे वाले सामने के हिस्से के, नीचे वाले हिस्से के सामने के चार दांत टूटे थे। पर ये तो जरूर है कि अल्लाह को पहले से इल्म था कि नहीं, अल्लाह जब जानकार है, अल्लाह को ये जानकारी थी या नहीं कि हाँ इनके दांत टूटेंगे। और जब अपने नबी को ही दांत टूटने से बचा नहीं पाए और मुसलमानों को क्या उभार रहे हैं, गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए तुम 200 हो, 20 हो तो 200 पर भारी पड़ोगे, 1000 हो तो 2000 पर भारी पड़ोगे, ये क्या जोश दे रहा है, दिला रहे हैं। तो यही पहलवान धर्मवीर जी ने सवाल उठाया है अल्लाह पर और अल्लाह के कलाम पर। इस्लाम जगत के विद्वानों से यह कतिपय प्रश्न है और डिबेट के लिए हम तो स्वागत करते आए हैं, करेंगे। मेरा डिबेट कई बार हो चुका है, अब्दुल्ला तारिक से हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तजा से हुआ। आप लोगों को और बता दूं, मौलाना फारूक खान जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, उनसे भी 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली, दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में डिबेट हुआ। मैंने केवल 4 सवाल किया था, 1 का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और ना दे पाए। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये लोगों में गलतफहमी है, इस गलतफहमी को भी दूर कर लें कि हज़रत मामा साहब के जो दांत टूटे थे वो लोगों के मारने से नहीं टूटे थे, वो एक गड्ढे में गिर गए थे, गड्ढा खोद रखा था काफिरों ने या गैर मुस्लिमों ने, मुशरिकों ने, लोगों को गिरने के लिए, और उसी गड्ढे में ही गिरे तो नीचे वाले हिस्से के चार दांत सामने के टूटे थे उनके, काफिरों ने मार करके नहीं तोड़ा। इस गलत फहमी को भी आप लोग दूर कर लेंगे तो आप लोगों ने भली प्रकार इस वीडियो को सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। और इस्लाम जगत के विद्वानों से जो सवाल किया गया है उन सवालों का जवाब लेकर के आए, स्वागत है उनका। हम तो चाह रहे हैं कि सामने बैठ करके डिबेट करें, खुली चुनौती है, खुला दरबार है और खुली चुनौती मैं देता आया हूँ, लेकिन सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ये सूफी वाले नाच रहे हैं, हैदराबाद में आओ, क्यों दिल्ली में आने में क्या परेशानी है भाई, दिल्ली भारत का राजधानी है, ये वाले हैदराबाद में आओ। महेंद्रपाल डर गए, घबरा गए, मैं चुनौती दिया था, अब भी चुनौती दे रहा हूँ, आओ सामने आओ, जिनको आना हो सामने आओ, खुला दरबार है। और ये सारी व्यवस्था पहलवान धर्मवीर जी के जिम्मे में है स्वागत करने के लिए, और धर्मवीर जी इस काम को, इस व्यवस्था को करेंगे। इसीलिए मैं पहले भी कई वीडियो में उनका नंबर दे चुका हूँ, इनके विचारों को आप लोग सुन रहे हैं, आइए जिनको आना हो आइए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्रपाल आर्य।